हेलो दोस्तों, आप सभी का कोमल किचन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे 1 कप सूजी से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नया नाश्ता। आपने इस तरीके से नाश्ते आज से पहले ना बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। आप इसे बिना चटनी बिना सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है और अब हम एक बोल लेंगे। इसमें मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है। देख सकते हो आप कि पानी में अच्छा खासा धुआं निकल रहा है। पानी गर्म होना चाहिए। पानी को मैंने बोल में डाल दिया है और जिस कप से मैंने 1 कप पानी लिया था उसी कप से मैंने 1 कप सूजी लिया है। आप यहाँ पे पतली मोटी कोई भी सूजी ले सकते हो, जो भी सूजी आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल करिए। गर्म पानी में सूजी डालने से सूजी अच्छे से फूल जाती है, तो आप इसे एक बार मिला लीजिए। मैंने यहाँ पे सूजी को अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद मैं इसे ढक के रखूँगी 10 मिनट के लिए। तब तक में सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पे सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो चुका है, तो अब हम देख लेते हैं कि सूजी हमारी फूली है कि नहीं। तो ये देखिए सूजी अच्छे से फूल भी चुकी है और जितना भी हमने पानी डाला था सूजी ने सारा पानी सोख कर लिया है। 10 मिनट के अंदर ही सूजी फूल जाएगी और ये सूजी का जितना भी पानी था यहाँ पर सूजी ने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 1 आलू को उबाल के कद्दूकस करके डाल दिया है। तो हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दीजिए। 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने साबुत जीरा लिया है, आप यहाँ पे पिसा जीरा भी ले सकते हो। कुटी हुई लाल मिर्च डाला मैंने और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया मैंने। अब हम इसमें डालेंगे इसे हेल्दी बनाने के लिए गेहूं का आटा। तो मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसमें से मैंने पहले 1/2 आटा डाला है। 1/2 कप आटा मैंने शुरू में डाला है, उसके बाद पहले हम इसे मिलाएंगे और अगर हमें आटे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से आटा डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ आपको मिक्स करना है, जैसे हम डो बनाते हैं उसी तरीके से। तो देखिए जो बचा हुआ आटा था मैंने दोबारा इसमें डाल दिया है और जैसे हम रोटी पराठे के लिए पूड़ी के लिए डो बनाते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसे बना के चिकना कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट आटा मैंने यहाँ पे कर लिया है। चीज़ों को आपको मिला लेना है, उसके बाद हाथ में हल्का सा तेल लगाए ताकि ये चिपके नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गीला है आपको, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे बिल्कुल चिकना किया, उसके बाद फिर से मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगाया और अब हम इसके यहाँ पे लोइयाँ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लोइयाँ तोड़ के इसे बिल्कुल बढ़िया से हथेली से चिकना करके इसी तरीके से मैं यहाँ पे लोइयाँ सारी बना के मैंने तैयार कर ली है। तो अब हम इसे बेलेंगे। तो इसे बेलने के लिए मैं यहाँ पर इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे, जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं बस उसी तरीके से आपको भी इसे बेलना है। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपको छोटी छोटी पूड़ियाँ पसंद है तो आप इससे छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक पूड़ी बेल ली है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल के रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सभी पूड़ियों को बेल लिया है। तो अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए पहले से रखा था। तेल में अच्छा खासा धुआं भी निकलने लगा है। हाई फ्लेम पर तेल मैंने गर्म किया, उसके बाद मैंने गैस को मीडियम कर दिया और एक पूड़ी मैंने पहले तेल में डाल के देखी और उसके बाद उसे आप कलछे से हल्के हल्के इस तरीके से दबा दीजिए और काफ़ी अच्छी से देखिए पूड़ियाँ फूल भी रही हैं। तो आप एक तरफ जब पूड़ी हल्की सी पक जाए तो आप इसे दूसरी तरफ पलट दें और इस तरीके से आप गरम गरम एक एक पूड़ी डालें और जितनी कढ़ाई में जगह हो उस हिसाब से पूड़ियों को तेल में फ्राई करें। तो इसे भी मैंने यहाँ पे हल्का सा पलट दिया है। देखिए एक तरफ काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ गया है। दोनों तरफ पलट पलट के पूड़ियों को सेक लीजिए और जब दोनों साइड से ये पक जाए तो आप इन्हें तेल में से बाहर निकालें और जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकल जाने दें और इसे प्लेट में निकाल के रख लीजिए। अब जो हमने तेल में यहाँ पे पूड़ी डाली थी वो भी पक गई है, तो मैं यहाँ पर 1 से 2 पूड़ी और डाल देती हूँ और इसे भी पलट देती हूँ। तो कढ़ाई में आप 2 से 3 पूड़ी आसानी से फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1-1 करके पूड़ियाँ डाल रही हूँ, जिससे ये काफ़ी अच्छी फूली फूली क्रिस्पी पूड़ियाँ बनी। तो फिर से मैंने यहाँ पर दूसरी पूड़ियाँ भी डाल दी हैं। जो हमने पहले डाली थी वो अच्छे से पक चुकी है। बहुत ज़्यादा आपको इसका कलर नहीं चेंज करना। इसे हमने सूजी और गेहूँ के आटे से बनाए हैं तो काफ़ी जल्दी ये पक जाती है, इसे पकने में समय भी नहीं लगता। तो आप इस तरीके से गरम गरम पूड़ियाँ तेल में छाने और देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है। किसी सूजी से जो कि हमने इसे बनाया है काफ़ी हेल्दी है और हमने इसमें गेहूं का आटा भी डाला है। तो इस तरीके से गरम गरम फूली फूली क्रिस्पी पूड़ियाँ आप ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें तेल में 1-1 करके पूड़ियाँ डालते जाना है और इसे निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर सारी पूड़ियाँ बना ली हैं और यहाँ पर गर्मा गर्म हमारी यहाँ पर सूजी और आलू की मसाला पूड़ी बन के तैयार है। मैंने इसे इसकी गार्निशिंग हरी धनिया के साथ की है। आप चाहो तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आप इसे बच्चों को टिफिन में बना के देना चाहते हो तो आप इसे बना के इसे अचार के साथ दीजिए और ये बिना चटनी बिना सब्जी के भी बढ़िया लगेगी। सफ़र में कहीं जा रहे हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए। 2 से 3 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। काफ़ी फूली फूली खस्ता है, ऊपर से
बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से कुरकुरी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आई होप आपको भी ये पसंद आई होगी। सूजी और आलू की ये पूड़ियाँ जरूर बनाएं। आप चाहो तो इसे ब्रेकफास्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप भी ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिए प्लीज़।